नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं आपके साथ अग्रेश आडियो और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 6254 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6272 का हाई लगा चुका है। 1% की तेजी बनती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड का वायदा बाजार में जनवरी वायदा में काफ़ी अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। जो कैसा सीड का वायदा बाजार लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले हमने 5900 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करते देखा था, अब वही कैसा सीड 6200 के ऊपर निकलता नजर आया है। जानकारों के अनुसार अभी कैसर में शॉर्ट टर्म के लिए ये जो तेजी वाला रुझान है शॉर्ट टर्म के लिए अभी जारी रह सकता है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 3306 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.25% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं बिनौला खल में भी अब धीरे धीरे करेक्शन का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। 3300 के 3400 का लेवल टच करने के बाद बिनौला खल वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया था। फिर हम देख रहे हैं कि 3300 पर ट्रेड करता नजर आया था 3300 के ऊपर, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि बिनौला खल में जो करेक्शन डी होती अब वो धीरे धीरे बनती नजर आ रही है और बिनौला खल 3300 पर इस बार ट्रेड करता नजर आ रहा है। अभी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बिनौला खल में हो सकता है कि अभी जो कुछ करेक्शन है ये कुछ और हावी हो जाए, लेकिन निचले स्तर से फिर से बाइंग इनिशिएट बिनौला खल में जरूर होती हुई नजर आएगी। देख रहे हैं यहाँ, बात करें यहाँ से धनिया की, तो धनिया का जनवरी वादा देख रहे हैं 9430 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.3% की गिरावट है। देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 9400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धनिया में हमने लगभग 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले 9800 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे थे। फिर वहां से देख रहे हैं कि कुछ सस्टेनेबिलिटी के बाद अब वहाँ से करेक्शन बनती नजर आई है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है धनिया के अंदर। ओवरऑल फंडामेंटल्स धनिया में मजबूती ही है। बात करें अगर यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 17445 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं जीरे में भी अब कुछ मुनाफा वसूली बननी शुरू हो गई है। 17190 का लो भी लग चुका है जीरे में, जितने पे खुला था उतने का ही लो लगा चुका है। आपको बता दें कि जीरे में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आ रही है, अभी ये जो जारी रह सकती है कुछ दिनों के लिए। और बात करें यहाँ से अगर हल्दी का प्रवाह देख रहे हैं 10260 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 1% की गिरावट आज हल्दी में भी बनती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में मसालों के बाज़ार में वायदा बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब मसालों में यहाँ से क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए देखी है, आपको क्या लगता है क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर ये महज एक प्रॉफिट बुकिंग है और फिर से तेजी देखने को मिलेगी मसालों के अंदर? मसालों में अभी जो हम देख रहे हैं वो एक महज प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और हमने देखा है कि इस बार जो डिमांड है वो काफी बड़ी है। इवन अगर हम बात करें तो श्रीलंका की, वहां पर भी स्पाइसेस के भाव बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी मसालों के अंदर तेजी का रुख बना रहेगा, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा, निर्यात मांग पर भी भावों को सपोर्ट रहेगा। हमें लगता है कि अभी मसालों में एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसका फायदा उठाना चाहिए, डिप पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में और उछाल देखने को मिल सकता है। जी, यानी कि मसालों में डिप पर खरीदारी की सलाह रहेगी, निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, मसालों की मांग अच्छी बनी हुई है। अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मसालों में हल्की गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन आगे जाके जो ट्रेंड रहेगा मसालों का अनुज के मुताबिक वो तेजी का ही रहेगा। ये सनु जी, बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड को हमने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले 5900 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा था और 5900 के ऊपर कैसर ने काफ़ी समय से ट्रेड करा है, काफ़ी समय तक ट्रेड किया है। 1 हफ्ते से ऊपर कैसर ने 5900 के ऊपर ट्रेड किया है। अब देख रहे हैं कि 6200 के ऊपर अचानक से ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए तेजी है या फिर यहाँ से कैसर में तेजी बनना शुरू हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमने बारिश देखी थी उसकी वजह से कैस्टर को सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बारिश होने की वजह से हमने क्रॉप को डैमेज होते हुए देखा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी क्रॉप आएगी वहां पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि कैस्टर में आगे भावों में तेजी का रुख बना रहेगा, तो ये जो तेजी के लिए ये आगे और आगे एक्सटेंड हो सकती है
हमारा मानना है कि 6400 6500 तक के लेवल कैस्टर में देखे जा सकते हैं जी। तो यानी कि साल 2021 में हमने जो कैस्टर में जो हाई लगते हुए देखे थे 6500-6600 तक के, अब वो फिर से देखने को मिल सकते हैं, कैस्टर में फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है। ये सनु जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ रही है 3400 के लेवल टच करने के बाद। वहाँ पे हमने देखा था कि बिनौला खल 3300 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि लगभग 3300 का लेवल ही छू चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल में कुछ और गिरावट बनेगी? देखिए बिनौला खल और कॉटन सीट में मुझे लगता है कि कॉटन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने का देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का इंटरवेंशन होता हुआ दिख सकता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनी चाहिए। जिन्होंने खरीदारी करी है उनके लिए सलाह है कि एक बार बेच के निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है, मार्जिन बढ़ाए जा सकते हैं। कॉशियस अप्रोच के चलते मुझे लगता है कि काउंटर में अभी कोई पोजिशन ना ले, यहाँ पे थोड़ा सा जो सरकारी इंटरवेंशन है वो आ सकता है। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है जी। ये सर मुझे बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी है, 11800 के ऊपर लेवल्स जाते हुए देखे थे। ग्वार सीड में भी 6400 के ऊपर ट्रेड होता नजर आया था। आपने बताया दिया था पहले मार्केट टाइम सीरी के माध्यम से कि ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है, अब यहाँ से आपको क्या लगता है ग्वार में क्या फिर से बाइंग इनिशिएट होती नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, ग्वार ने 6300 का जो लेवल ब्रेक किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, मगर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है जल्दी ही ग्वार सीड में 6500 से लेकर 6700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, जो भी टिप मिले वहाँ खरीदारी का ट्रेड लेके चले ग्वार सीड ग्वार गम में जी। ये सनु जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं कि आज 6021 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर लगभग 0.25% की गिरावट बनती नजर आ रही है। हमने 6400 तक के भी लेवल सोयाबीन में आते हुए देखे, अब यहाँ से देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन यहाँ से अभी 6000 के भी नीचे लुढ़केगी? देखिए सोयाबीन की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ नरमी देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी के साथ रुख हो सकता है, क्योंकि हायर लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है और इस बार पैदावार भी अच्छी होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में चाहे सोयाबीन हो चाहे सरसों हो चाहे रिफाइंड हो, यहाँ पर हमें कुछ नरमी का संकेत देखने को मिल सकता है जी। अनु जी आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आज आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जो अगले कारोबारी सप्ताह भी अच्छा मुनाफा देकर चल सकते हैं? देखिए ग्वार में खरीदारी का ट्रेड ले, हमें लगता है कि ऊपर में 6500 से लेकर 6700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे करीबन 13500 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार NCDX कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।